आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि शिक्षक नवनिर्वाचित आदरणीय सरपंच महोदय और मेरे सभी छोटे भाई भाइयों बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देश में हर तरफ स्वतंत्रता दिवस की धूम है। सरकार के हर तिरंगा अभियान ने सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व की रौनक को और बढ़ा दिया है। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से मुक्त हुआ था, यानी कि आजादी का 75वां यह पर्व है। आज हम जिस तिरंगे की छाव में खड़े हैं, वही हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। इस तिरंगे में सबसे ऊपर दिखने वाला केसरिया रंग देश की ताकत और साहस का प्रतीक है। वहीं बीच में सफेद रंग शांति, सद्भावना और सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। तिरंगे की सबसे निचली पट्टी पर हरा रंग देश के विकास और समृद्धि का प्रतीक है। झंडे के बीच में बना अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, हर भारतवासी के लिए उसका देश सबसे पहले आना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को हमें नमन करना चाहिए। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और दो शब्द विकास की ओर बोलना चाहूंगा। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे गांवों में के लिए आदरणीय चाचा जी श्री कुटेल सिंह जी मोदी जैसे सरपंच प्राप्त हुए। हमें उन पर भरोसा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि वो हमारे ग्राम को विकास की ओर ले जाएंगे। समय के अभाव के कारण अपनी बारी को विराम देता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार।